विश्वकर्मा, आप देख रहे हैं जी टीवी न्यूज। प्रेमी ने प्रेमिका की हत्या, पुलिस ने दो आरोपियों को भेजा जेल। अलीगढ़ के थाना अंतरोली इलाके में एक सनसनीखेज हत्याकांड का पुलिस ने खुलासा करते हुए दो अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने जानकारी देते हुए बताया कि करीब एक वर्ष से एक युवती और युवक के बीच प्रेम प्रसंग चल रहा था। युवती के परिजन हाल ही में उसकी शादी कहीं और कराने जा रहे थे। इस बात से आहत होकर आशिक युवक ने युवती को फोन किया और उसे आखिरी बार मिलने को बुलाया। युवती जब उसके इलाके में पिलखुनी बम्बा के निकट मिलने पहुंची तो उसके आशिक ने सीने में गोली दाग दी। युवती की मौके पर ही मौत हो गई। घटना की सूचना पुलिस को हुई तो मौके पर पहुंची पुलिस ने युवती के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। तफ्तीश में जुटी पुलिस ने दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिसमें मुख्य आरोपी उसका आशिक तथा उसका दोस्त को गिरफ्तार कर खुलासा कर दिया है, जिनके कब्जे से हत्या में प्रयुक्त तमंचा बरामद किया है। आरोपियों को अग्रिम कार्रवाई करते हुए जेल भेज दिया है। पेश है अलीगढ़ से पंकज चौधरी की एक खास रिपोर्ट। अतरौली के नगाईसपाड़ा मोहल्ले की एक युवती है जिसका शव प्रातःकाल को मिला था, जिसको छाती में गोली मारी थी। पुलिस ने अभी विद इन 12 आवर पूरी घटना का खुलासा करते हुए दो अभियुक्त, जिसमें एक मुख्य अभियुक्त जो उसका प्रेमी था राधे उर्फ राम अवतार और उसका दूसरा साथी अजय को गिरफ्तार किया गया है। जो घटना का मुख्य कारण यह है कि करीब एक साल से दोनों में प्रेम संबंध थे और लड़की की शादी उसके परिवार वाले कहीं और कराना चाह रहे थे, और इसी बात को लेकर लड़के ने उसको अपने बुलाया गया, अंतिम बार आकर मेरे से मिल लो। और जब ये उससे मिलने गई तो पिलखनी बम्बा के पास इसने शादी करने के लिए मना कर दिया तो उसको गोली मार दी थी। दोनों अभियुक्तों को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा रहा है। जो तमंचा प्रयोग हुआ था उसको भी बरामद कर लिया गया है और आगे की कार्रवाई की जा रही है। नहीं, इनका पुराना इतिहास नहीं है, दोनों को प्रेम संबंध का मामला था। लड़का लड़की से शादी करना चाह रहा था लेकिन लड़की अपने घर वालों की मर्जी के बिना इसे शादी नहीं करना चाहती थी। इसी बात को लेकर लड़के ने आवेश में आकर अपने शादी के साथ उसको गोली मार दी थी।